है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के लिए मिनिमम मुझे 3-4 कार्बन का रिक्वायरमेंट होता है अगर मैं उस तरीके से उसका फॉर्मेट बनाऊं तो। और यहाँ पे एक एलियाडिक ग्रुप है, यहाँ पे एक कार्बन है, ये भी पूरा कायरल सेंटर यहाँ पे बन रहा है मेरा, ठीक है। तो ये भी कायरल है, ये पॉइंट आपको मैंने बताया था वैसे भी, ये जो पॉइंट ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, और साथ में ये भी कायरल सेंटर है, साथ में इनका नीचे का रेजोनेंस पूरा दिखा रहा है। तो दैट इज व्हाई ग्लूकोज को हम डी प्लस ग्लूकोज भी कहते हैं, इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है। ये जो डी है, दिस इज नॉट फॉर डेक्सट्रोलिवो, प्लीज, दिस इज नॉट फॉर डेक्सट्रोलिवो। बच्चे सोच लेते हैं कि जो कैपिटल डी लिखा है ये डेक्सट्रोलिवो का फॉर्मेट है, नहीं है, दिस इज नॉट डेक्सट्रो। ये इसके स्ट्रक्चर को रिजेंबलेंस के लिए हमने इसका डी नाम दिया है, डी प्लस ग्लिसरल दिया है एंड डी प्लस ग्लूकोज नाम दिया गया है इसको। क्लियर है? सो दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन कि व्हाई इट इज कॉल्ड डी प्लस ग्लूकोज, आपको लिखना है बिकॉज आपको स्ट्रक्चर बना के वहां पे दिखाना है, और ये इसके साथ इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है आपको, साथ में ये बताना है कि दोनों रिजेंबल करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डी प्लस ग्लूकोज। ऑल क्लियर? यस, आगे बढ़े, हो गया, मानवी सनोबर डन है, आगे चलते हैं। अंकित, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। करना है अच्छा, जो बायो वाले बच्चे हैं इनको तो ये स्ट्रक्चर पहले से ही पता होना चाहिए, उन्होंने पढ़ रखा होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 11th में प्रॉपर टॉपिक है। और बाकी जो हमारे मैथ्स के बच्चे हैं, मैथ्स के स्ट्रीम के बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा स्ट्रक्चर है, अभी तभी मैं बोलती हूँ जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करवाती हूँ, मेरे साथ आप ड्रॉ करो यहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज। अब मैं आपको लेके चलती हूँ प्रिपरेशन कैसे होगा ग्लूकोज का। अच्छा, दूसरी और एक बात है, ये जो है ना, ये स्ट्रेट चेन ग्लूकोज है, ये ओपन चेन स्ट्रेट चेन ग्लूकोज है। अब आपको एक क्लोज चेन ग्लूकोज के बारे में भी बताऊंगी, जिसे हम अल्फा डी और बीटा डी बोलते हैं, कि यहाँ से मैं क्लोज चेन रिंग फॉर्मेशन कैसे करूंगी ग्लूकोज का, यहीं से ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके मुझे करना पड़ेगा। ये स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे कहीं पे कनेक्शन नहीं है, देखो ये फर्स्ट, ये टर्मिनल है और ये सेकंड टर्मिनल है, बस दो एंड है इसके। जब मैं इसको कहीं से जोड़ूंगी, बीच में रिंग फॉर्मेशन करूंगी, फिर वो अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं प्रिपरेशन में, चलते हैं, इसे मैं रब कर रही हूँ अभी। मैम, रिकॉर्डिंग अलाउ कीजिए। कौशल अभी, मुझे कौशल अभी है नहीं क्या? कौशल इज नॉट देयर। कौशल आया नहीं, ठीक है, ओके। नाउ इसे मैं पूरा रब कर रही हूँ, अब हम चलेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में चलेंगे। दो तीन छोटे छोटे प्रिपरेशन है, बेसिकली ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। प्रिपरेशन राइट आउट, अच्छा, प्रिपरेशन में हम तीन तरीके का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। एक तो नॉर्मल प्रिपरेशन होता है, जो होता है फोटोसिंथेसिस, आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, दैट इज नॉट मैन मेड, हम वो प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, दैट आर प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, ठीक है। जिनके ग्रीन लीफी जो प्लांट्स होते हैं, उन वो फोटोसिंथेसिस के साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, वहां पे वो एक रिएक्शन होता है। तो थोड़ा बहुत हम जान ही लेते हैं, जो पहला प्रिपरेशन, सबसे पहले आज एंट्रेंस क्लास है। फोटोसिंथेसिस, हाँ यस बोलो। अच्छा, मैं आपको और एक बात बोल रही हूँ बच्चे, एंट्रेंस क्लास के जहां तक बात है ना, आज कोई एंट्रेंस क्लास रात को मैंने नहीं रखा है, अभी इसके बाद मेरी 11th की क्लास है, ठीक है, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी, मुझे कुछ काम से जाना है, आते आते 10:30 अराउंड हो जाएगा मुझे, तो आज एंट्रेंस की क्लास नहीं है। इंस्टेड इंस्टेड कल मैं आपकी 12th एंट्रेंस और 11th एंट्रेंस दोनों लूंगी शाम को, कल सैटरडे है। आज की जो आपकी एंट्रेंस की क्लास में, जो मेरा आज नहीं, मैं क्लास ले पाऊंगी, आज की एंट्रेंस की क्लास कल लूंगी शाम को, हो सकता हम है कल वाली सात क्लास आप के दिन में अराउंड। कर दो मैम। कल डे टाइम बोल रहे हो आप? डे टाइम यस स्कूल की मैम। क्लासेस होती है बच्चों के, बस काफी सारे बच्चे हैं जिनकी क्लासेस होती है, इसीलिए
तो मैं 11th की क्लास भी अभी सैटरडे को मॉर्निंग नहीं ले पा रही हूँ ड्यू टू दिस। 7:60 ले लो। इवनिंग बोल रहे हो ना? यस मैम। हाँ नहीं, इवनिंग में लूंगी 7 से 8 या 8:30 लूंगी एक, और एक 8:30 से 10 चलेगी रात को। दो बैच लेनी है मुझे ना, एक 11th का एंट्रेंस है जो जिसमें आपको इक्विलिब्रियम रिवाइज करनी है, इक्विलिब्रियम का टेस्ट मैं भेजूंगी अभी क्लास खत्म करके, और एक चलेगा एल्डिहाइड का। तो दोनों कल चलेंगे, एक तो 11th का एंट्रेंस और एक 12th का एंट्रेंस। मैं मोस्ट वाली ये ट्राई कर रही हूँ। कितने बजे आपको चाहिए? मैं 7 बजे स्टार्ट कर पाऊंगी, उससे पहले फ्री नहीं हो पाऊंगी। 7 o'clock के बाद फिर मैं क्लास लेती हूँ। दोनों ले लेंगे कल, दोनों एंट्रेंस कल मैं ले लूंगी, 11th और 12th दोनों, इक्विलिब्रियम एंड एल्डिहाइड की। तो ठीक है, मैं दिन में 1 बजे ले लूंगा, 1-2 बजे मैं देखती हूँ, मैं बच्चों से बात करती हूँ। अमन, मैं बच्चों से बात करती हूँ, ठीक है? मैं बच्चों से बात करती हूँ, दे आर रेडी, इट्स ओके। और अगर कोई दिक्कत भी होती है फिर रिकॉर्डिंग है, तुम देख सकते हो, ठीक है? कोई कहीं जा रहा है क्या अमन? नहीं मैम, हम शाम को फिर फ्री हो जाते हैं तो पढ़ सकते हैं रात शाम को। नहीं, उसके लिए नहीं, कोई अर्जेंसी होगा तो अलग बात है, अदरवाइज तो मैं फिर नहीं हो पाता है ना। बाकी बच्चों की क्लासेस वगैरह चलेंगे 1-2 बजे तक, फिर 2 के बाद फिर 3 बजे से आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है सैटरडे को। कल बिल्कुल पैक्ड हो जाता है पूरा। इवनिंग 7 o'clock के बाद मैं टोटली फ्री हूँ, पूरा फ्री हूँ, रात के 11-12 बजे। प्लीज एटलीस्ट पेपर डाल दीजिएगा जिसका आप कल टेस्ट लेंगे, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलता पेपर करने। 100% डालूंगी, 100% मैं जैसे ही 10:30 बजे क्लास के बाद ही डाल दीजिए। हाँ, मैं थोड़ा सा, आज मुझे लेट हो जाएगा क्योंकि अभी क्लास खत्म हो जाएगी। अगर मेरी 8 बजे क्लास खत्म होती है तो मैं 8:30 के बीच डालूंगी आइदर, या फिर रात को 10:30 के अराउंड डालूंगी। मैम जितना जल्दी आप डाल देंगे मैम उतनी ज्यादा चांसेस रहेंगे हम पेपर करने की। आप सब ने इक्विलिब्रियम रिवाइज करा कि नहीं? मैम इक्विलिब्रियम सीबीएसई रिवाइज कर लिया है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, दोनों कर लिया है। आंसर मैम उस टेस्ट का आंसर, हां इसको प्लीज आंसर भेज दो मैम। अमन तुम अपने दोस्तों को बोलो किसी ने सबमिट नहीं करा है इक्विलिब्रियम का भी, फिर भी मैं अमन को दे दूंगी आंसर से, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे बच्चे बहुत होनहार है यहाँ पे ना, तो नहीं देते हैं प्रॉपर टाइम में। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मैं अमन को आंसर सेंड कर दूंगी और बाकी बच्चों को दे दूंगी, ठीक है? आज भेज दो। फोटोसिंथेसिस एक प्रिपरेशन है, दूसरा सुक्रोज एक प्रिपरेशन है, तीसरा स्टार्च से बनता है। 3 चीजों से मैं ग्लूकोज का प्रिपरेशन करती हूँ। फोटोसिंथेसिस में क्या लेती हूँ? 6CO2 सिंपल रिएक्शन है, 6H2O। ये इसके साथ मैं सनलाइट यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है 100%। ये आपने पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लास में। ये मुझे देता है, ये मुझे दे देता है ग्लूकोज देता है C6H12O6, और साथ में 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी देता है। ये प्रिपरेशन तो है बट दिस इज नॉट मैन मेड, ये फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के थ्रू प्रिपरेशन करा जाता है ग्लूकोज का, ठीक है? सेकेंड प्रिपरेशन सुक्रोज, सुक्रोज से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारे बस की बात है, हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हम प्रिपरेशन नहीं दिखा सकते हैं, वी डोंट हैव क्लोरोफिल, यू नो, तो हम ये रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको जो नोट दिए हैं ना, उस नोट्स में ये प्रिपरेशन आपको नहीं मिलेगा, रेस्ट के 2 आपको दिया गया है, ठीक है? सो सुक्रोज की अगर बात करें तो सुक्रोज का क्या होता है, जब एसिडिक मीडियम में सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस की जाती है, तो मुझे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों मिलते हैं, जिसमें से कि ग्लूकोज एक पार्ट आपका प्रोडक्ट बन के आता है। तो सुक्रोज में ले लेती हूँ, सिंपल हम लेते हैं C12H22O11, जिसे आप शुगर भी कहते हो। मोल कंसेप्ट में आपने जब शुगर का रिएक्शन आप लिखते हो तो शुगर का फॉर्मूला ये लेते हो, C12H22O11 लेते हो। This is also sucrose. तो इसका acidic hydrolysis करी जाती है। H2SO4 ले लो, HCl ले लो, उस मीडियम में हम इसे acidic medium होनी चाहिए। तो ये क्या देता है मुझे, एक तो ये देता है और दूसरा भी ये देता है, इसमें से एक glucose है, एक अल्फा डी ग्लूकोज वैसे होता है पर अभी आपको आइडिया नहीं अल्फा डी के बारे में, सो सिंपल आप ग्लूकोज ले सकते हो, और दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये एक प्रिपरेशन प्रोसेस है, ठीक है? एंड थर्ड प्रिपरेशन फ्रॉम स्टार्च,
स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड, ये क्या करता है, इसका जो मॉलिक्यूल होता है बेसिकली क्या होता है, स्टार्च जो है ना ये C6H10O5, ये पॉलीमर होते हैं, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होते हैं, स्टार्च का मतलब है बिगर मॉलिक्यूल पूरा, मोनोसैकेराइड्स का पॉलीमर होते हैं ये, तो ये रिएक्शन दिखाता है हाइड्रोलिसिस पे जाता है एसिडिक मीडियम के साथ और मुझे क्या देता है, ये मुझे देता है ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, तो आई थिंक यहाँ पे ये आएगा NC6H12O6, तो दिस इज माय ग्लूकोज मॉलिक्यूल और मेरे ख्याल से इसमें बस यही रिएक्शन है आई थिंक, इसमें और कुछ आ रहा है क्या प्रोडक्ट, मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ, इसमें और कोई देखना एक बार, आपके पास नोट पड़े हैं, जस्ट 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 इसके रिएक्शंस में हम चलते हैं, रिएक्शन में और कुछ है, नथिंग नथिंग, दैट्स ऑल दैट्स ऑल, और कुछ है नहीं इसमें बेटे, बस क्लियर है, दिस इज माय ग्लूकोज, तो ये तीन प्रिपरेशन प्रोसेस आपको दे सकते हैं, आप पूछ सकते हैं व्हाट, राइट डाउन एनी टू प्रिपरेशन प्रोसेस फॉर ग्लूकोज दे सकते हैं, दीज आर द थ्री प्रिपरेशन प्रोसेस, इसको हम नहीं मानते हैं बिकॉज ये मैनमेड नहीं है, क्लियर ना, ये हम दोनों को हम काउंट करते हैं। अब हम चलते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज में चलते हैं, मैं ये रब करूं, यस यस मैम, ओके, अच्छा ये जो भी आपको पढ़ाने जा रही हूँ केमिकल रिएक्शंस, इसके लिए आपको अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ के रखा है, जो छोटे मोटे रिएक्शंस वगैरह हैं अगर आपको लर्न है, तो आपको ये हेल्प करेगा यहाँ पे पढ़ने में, ठीक है, और अभी आपने हाफ रिएक्शन वगैरह भी करा था तो आपको आई थिंक लर्न होगा, तो केमिकल रिएक्शन में चलते हैं, केमिकल रिएक्शन ग्लूकोज, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हम ऐसे लिखते हैं CHO, ओके, आप थोड़ा सा ना एक दो बार लिख दोगे प्रैक्टिस अगर आपका, यस दिस इज माय डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है, अच्छा केमिकल रिएक्शंस जो ग्लूकोज का हम पढ़ते हैं, हम इसमें क्या पढ़ते हैं, हम इसमें ये पढ़ते हैं जो हर एक रिएक्शन होगा ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर के बारे में कुछ रिवील करेगा या कुछ कंफर्म करेगा, क्या कंफर्म करेगा कि इसके पास एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये कंफर्म करेगा रिएक्शन, इसके पास पांच अल्कोहलिक ग्रुप है, ये रिवील करेगा या कंफर्म करेगा रिएक्शन, अच्छा इसके पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी कंफर्म करेगा आपके रिएक्शंस, इसके पास चार सेकेंडरी है, ये भी कंफर्म करेगा आपका रिएक्शंस, तो हर एक रिएक्शंस, और यहाँ पे जो कार्बन जुड़े हुए हैं ना, जैसे कि फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है, ये जो सिक्स कार्बन आप देख सकते हो पूरे स्ट्रेट चेन से जुड़े हुए, ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं पे ब्रांचिंग निकल आई, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन से जुड़े हुए हैं, तो ये जो स्ट्रेट चेन से जुड़े हुए हैं इसके ऊपर भी मोटे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी कंफर्म करेगा रिएक्शंस, ये रिएक्शन ही सारे चीजों के बारे में कंफर्म करेगा, तो सबसे पहले रिएक्शन में चलते हैं, देखते हैं कि क्या कंफर्म करता है, सबसे जो पहला रिएक्शन है वो ये बताता है कि जब मैं ग्लूकोज को प्रोलोंग्ड हीटिंग देती हूँ अलोंग विद HI के प्रेजेंस में, रेड फॉस्फरस के प्रेजेंस में जब मैं ग्लूकोज को हीट करती हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाता है एन हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मुझे ये बताता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, विच रिएक्शन कन्फर्म्स अबाउट द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, क्वेश्चन ऐसे आएगा,
ठीक है, तो अब हम चलते हैं, क्या है सबसे पहला रिएक्शन, राइट डाउन। तो अभी काम करते हैं, आप अजय काम करते हैं, ये जो मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी अननेसेसरी टाइम जाएगा, आप एक काम करना, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, रिएक्शन प्रॉपर लिखा देती हूँ, रिएक्शन क्या होता है, बाकी इसका ऊपर का जो डेफिनेशन होगा या जो भी इसके बारे में होगा, दो तीन लाइन जो होगा, ये आप नोट से पढ़ लिया, इज इट, पढ़ सकते हो, यस और नो? यू कैन गो थ्रू द नोट्स, मैं आपको प्रॉपर रिएक्शन समझाऊंगी यहाँ पे वन बाई वन, बट उसी रिएक्शन को कर लेना नोट्स, सो दैट क्लियर हो जाएगा। है जब मैं ग्लूकोज को ग्लूकोज ले लेते हैं, मैं इस तरीके से यहाँ पे दिखा रही हूँ, पूरा स्ट्रेट चेन नहीं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, नॉर्मली इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ स्ट्रक्चर को। अब ये जो है ये हो गया CH2OH, क्लियर है? जब मैं इसको हीट करती हूँ किसके प्रेजेंस में, HI के साथ रिएक्शन दिखाता है, ये HI के साथ जब रिएक्शन दिखाता है रेड फॉस्फरस के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट जो होता है यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, काफी ज्यादा डिहाइड्रेशन होने के बाद मेरा जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है, ये इज इट, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है, और साथ में H2O मेरे ख्याल से बाहर आ, मतलब हैवी डिहाइड्रेशन बोल सकते हो, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो चुका है, छह वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ चुके हैं, जब मैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को HI के साथ रिएक्शन दिखाती हूँ रेड फॉस्फरस के प्रेजेंस में, तो मुझे क्या मिला, यू सी हियर क्या मिला मुझे, मुझे छह के छह कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए एन हेक्सेन, दिस इज माई एन हेक्सेन, ये रिएक्शन क्या कंफर्म करता है कि ग्लूकोज के, दिस इज माई वी प्लस ग्लूकोज, दिस इज माई ग्लूकोज, ग्लूकोज के जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन से जुड़े हुए हैं, ये रिवील करता है, कंफर्म करता है, दिस इज माई फर्स्ट रिएक्शन। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच रिएक्शन कन्फर्म्स अबाउट द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, क्या लिखोगे, दिस इज द रिएक्शन, व्हेनेवर ग्लूकोज इज रिएक्टेड विद, इट रिएक्ट्स विद HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फरस एंड हेक्सेन इज प्रोड्यूस्ड, इट शोज दैट All the carbons are connected through a straight chain. All clear? Second reaction में चलेंगे फिर, अगर clear है तो चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है अच्छा मैम, अब हम चलते हैं। हाँ यस बोलो मैम, आपने वो question क्या बोला, which reaction confirms the straight chain structure of glucose, all the six carbons are connected through straight chain, which is that reaction, kaun dikhata hai, kaun show karta hai us reaction ko, this reaction prolonged heating with HI, glucose prolonged heating with HI in the presence of red phosphorus gives me n hexane, n hexane mein छह के छह कार्बन स्ट्रेट चेन से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है 100% ग्लूकोज में भी छह कार्बन स्ट्रेट चेन से जुड़े हुए होंगे, कोई ब्रांचिंग नहीं है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ब्रांचिंग होती तो फिर आप ये मानते कि हाँ यस यहाँ पे जो है यहाँ पे भी स्ट्रेट चेन नहीं होगा, ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, बट यहाँ पे है नहीं ऐसा। ऑल क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रिएक्शन में चलते हैं कि सेकेंड रिएक्शन मुझे क्या कन्फर्मिटी देता है, तो इसे मैं थोड़ा रफ कर रही हूँ और दो रिएक्शन अभी आपको पढ़ाऊंगी, क्लियर है, और उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या कन्फर्मिटी मिलता है आपको। ये मैं रफ कर रही हूँ, ये फर्स्ट रिएक्शन है जो कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को प्रूफ करता है, सेकंड, सेकंड क्या है आज ही रिफर कर लेना, आज ही प्लीज अभी आप नोट डाउन कर लो, आप यहाँ पे क्लास ले रहे हो यहाँ पे नोट डाउन अभी कर लो और साथ में रिफर कर लेना नोट्स को, सेकंड रिएक्शन
जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्शन दिखाता है हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ, तो ऑक्सिजन फॉर्मेशन होता है। जब ग्लूकोज रिएक्शन दिखाता है हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ तो ऑक्सिजन फॉर्मेशन होता है। देख लेते हैं रिएक्शन कैसे बनेंगे। ये मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया है। ये रिएक्शन दिखाता है हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ। एंड व्हाट इज हाइड्रोक्सिलामाइन? हाइड्रोक्सिलामाइन इज NH2OH। अच्छा, हाइड्रोक्सिलामाइन इज NH2OH। अच्छा, तो थोड़ा मैं आपको बताती हूँ, आपको भी पता होगा कि हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन दिखा के अगर ऑक्सिजन बना रहा है तो यहाँ पे कौन से ग्रुप का प्रेजेंस कन्फर्म हो गया है। जैसे कि इसको मैं अगर लेती हूँ, मान लो NH2OH था तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज ऑल्सो NH2OH। अब क्या होता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन चलता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन चलता है, इसके ऑक्सीजन और इसके H2, H2O बन के बाहर निकल जाते हैं -H2O। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये जो कार्बन वो जुड़ेगा डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, ओके, ये जुड़ेगा डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, NOH बनेगा, ये यहाँ पे कार्बन के पास ये ग्रुप पूरा जा चुका है NOH, और साथ में बाकी तो रहेंगे। दिस इज माई ग्लूकोज ऑक्सिजन, ये मेरा ग्लूकोज का ऑक्सिजन बन चुका है, क्लियर है, दिस इज माई ग्लूकोज ऑक्सिजन। ठीक है, ये ग्लूकोज का मेरा ऑक्सिजन बन चुका है। अच्छा, अब आपको और एक रिएक्शन बताऊंगी और उसके बाद हम इकट्ठा चेक करेंगे कि ये कौन से ग्रुप को कंफर्म कर रहा है। तो अब और एक रिएक्शन क्या है, थर्ड रिएक्शन, दोनों बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है, एक ही, दोनों जो रिएक्शन है वो एक ही चीज को कंफर्म करेंगे ग्लूकोज के अंदर, तभी मैं साथ साथ करा रही हूँ। और एक रिएक्शन ये कहता है कि जब ग्लूकोज रिएक्शन दिखाता है HCN के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ तो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होता है। कैसे बनता है, आपको दे देंगे कुछ रिएक्शन, टेल मी, आई मीन टेल अबाउट द रिएक्शन दैट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो आपको रिएक्शन वहां पे लिख के बताने पड़ेंगे कि हाँ ये रिएक्शन इस चीज को कन्फर्म करता है। ठीक है, तो ये मेरा ग्लूकोज है, जब ये रिएक्शन दिखाएगा HCN के साथ, जब ये रिएक्शन दिखाएगा HCN के साथ, तो आपको पता है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे, आप सबको पता होगा कि यहाँ पे जो रिएक्शन दिख रहा है, कैसे रिएक्शन दिख रहा है, इसका मैकेनिज्म मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है या केटोनिक ग्रुप है, जब ये रिएक्शन दिखाता है हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ तो ऑक्सिजन फॉर्मेशन कैसे होता है, दिस इज द ऑक्सिजन, दिस इज द ऑक्सिजन, कार्बन डबल बॉन्ड NOH, क्लियर है। अब जब यहाँ पे चलते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, HCN है, तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे फॉर्मेशन हो जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा एसिडिक मीडियम यहाँ पे दिया जाता है बेसिकली, तो जब हम यहाँ पे लेते हैं तो ये बनेगा CH हियर, रख दिया मैंने, और एक जगह पे OH डाल दिया और एक जगह पे CN डाल दिया, हियर जो HCN है ना, H प्लस और CN माइनस है, ठीक है, तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के पास चला गया है यहाँ पे, और CN जो है ये दूसरे कार्बन के पास चला गया है, और बाकी जो रिमेनिंग ग्रुप है ये यहाँ पे रहेगा। दिस इज माई ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट, दिस इज माई ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बना दिया यहाँ पे, ये कौन से ग्रुप को कंफर्म करता है ग्लूकोज के अंदर, ये कौन से ग्रुप को कंफर्म करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर, कौन सा ग्रुप है जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। बहुत अच्छा, वंशिका, एल्डिहाइड ग्रुप है, बट हमसे और अगर
अच्छे से कहें तो कार्बोनिल ग्रुप को कंफर्म कर रहा है. कार्बोनिल का मतलब होता है कार्बोनिल में, दिस इज कार्बोनिल, जस्ट अ मिनट लेट मी राइट हियर. लुक हियर, ये एल्डिहाइड है और कीटोन है, ठीक है, एल्डिहाइड है और कीटोन है, ठीक है, और ये दोनों के दोनों चाहे एल्डिहाइड हो, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, सीएचओ ग्रुप है, सीएचओ ग्रुप है ये वाला, बट एक कीटोन ग्रुप है, तो बट दोनों के दोनों ही इन रिएक्शन को पॉजिटिव दिखाते हैं. कौन कौन से रिएक्शन को? हाइड्रोक्सिलामाइन और एक्सियल वाले रिएक्शन को. क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है, जहां पे भी कार्बोनिल ग्रुप है वो रिएक्शन को कैरी आउट कर सकता है, पॉजिटिव दिखा सकता है, ऑक्सिम बना सकता है और सियानोहाइड्रिन बना सकता है. दैट मींस यहाँ पे कौन सा ग्रुप कन्फर्मिटी आ चुका है? कार्बोनिल ग्रुप का, एक कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है और वो कार्बोनिल ग्रुप मुझे कैसे प्रेजेंट है? एल्डिहाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है. कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइडिक फॉर्म में प्रेजेंट है, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, ये नहीं है, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है. बेसिकली दिस सी डबल बॉन्ड ओ, लाइक मैं इसको यहाँ पे कर सकता, CHO में यहाँ पे लिखती हूँ, तो CHO कैसे होता है कि C डबल बॉन्ड O H है, ये है मेनली ये जो ग्रुप है, ये कैसे होता है? Like this. This is my CHO group. Clear है? अब यहाँ पे जो CHO, this is a carbonyl group. Carbonyl अगर ग्रुप रहेगा तो 100% पॉजिटिव दिखाएगा. That means ये जो दो रिएक्शन है ये कंफर्म कर रहे हैं कि ग्लूकोज के अंदर कहीं ना कहीं एक कार्बोनिल ग्रुप है जो कि एल्डिहाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है. It may be ketone also. अब आपको मैं पर्टिकुलर और एक रिएक्शन पे लेके जाऊंगी जो मुझे ये बताएगा कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये एल्डिहाइड ही है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का मतलब कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है. बट अब आपको मैं और एक रिएक्शन पे लेके जाऊंगी जो मुझे ये कंफर्म करेगा कि ये ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है प्रॉपर. पूरा कार्बोनिल तो है, ये मुझे पता चल गया है रिएक्शन से, पता चल गया कार्बोनिल ग्रुप है ये, बट ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं. नहीं, फेलिंग्स टेस्ट है आगे, है फेलिंग्स टेस्ट भी है आपका आगे, बट यहाँ पे आपको एक ग्लूकोनिक एसिड फॉर्मेशन है जिसको हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन दिखाते हैं, तो ग्लूकोनिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है जो कि एल्डिहाइड ही दिखा सकता है. नेक्स्ट रिएक्शन एक है आगे आपका, ठीक है, तो इसे प्लीज नोट डाउन करिए. दोनों के दोनों रिएक्शन मुझे ये प्रूफ करते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है. अच्छा, अब हम चलते हैं थर्ड रिएक्शन. थर्ड तो हो गया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हो गया, फोर्थ में चलेंगे. फोर्थ रिएक्शन क्या है? कैसे प्रूफ करेंगे? जब मैं इसको रिएक्शन दिखाती हूँ, आप दो चार बार लिख दोगे तो पूरा कंफर्टेबल हो जाओगे. तब इसको रिएक्शन दिखा जाता है ब्रोमीन वाटर के साथ. ब्रोमीन वाटर का मतलब होता है जब इसको रिएक्शन दिखाया जाता है Br2H2O के प्रेजेंस में ब्रोमीन वाटर में, तो क्या होता है? ये ऑक्सीडाइज होता है और ये वाला जो पोर्शन है ये एसिड में कन्वर्ट होता है. और एल्डिहाइड को ब्रोमीन वाटर के रिएक्शन दिखाने पे ऑक्सीडाइज होके वो कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्म प्रोड्यूस होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट होता है एंड दिस इज माय ग्लूकोनिक एसिड.
ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड है। अब ये क्या कंफर्म करता है, देखो कार्बोनिल ग्रुप ही था अभी, इससे पहले भी हमने कंफर्म करा था दो रिएक्शन में। अब क्या प्रूफ होता है कि ये प्रॉपर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये प्रूफ होता है कि दिस इज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप बिकॉज ये एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है? ओके, तो ये इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। प्लीज आज ही रिफर कर लेना, इट कंफर्म्स। Presence of an aldehyde group. Clear है? Okay? अच्छा, तो जब आपको बोलेंगे कि रिएक्शन कौन सा रिएक्शन एल्डिहाइडिक ग्रुप को कंफर्म करता है तो आपको ये लिखना है। अगर आपको बोलेंगे कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस को कौन कंफर्म करता है, तो इससे पहले जो आपको दो रिएक्शन पढ़ाए थे ना, सेकेंड और थर्ड रिएक्शन, उसमें से आप कोई भी एक लिख देना कार्बोनिल के लिए। और आपको पूछा जाता है कौन सा रिएक्शन है जो स्ट्रेट चेन को प्रूफ करता है, तो सबसे पहला रिएक्शन जो आपको लिखवाया था वो लिखना है, HI प्रोलोंग हिटिंग विद HI वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं फिफ्थ रिएक्शन पे चलते हैं। फिफ्थ रिएक्शन क्या कहता है कि जब ग्लूकोज को रिएक्शन दिखाया जाता है एनहाइड्राइड के साथ, तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनता है, जो कि प्रूफ करता है इसके पास पांच अल्कोहलिक ग्रुप हैं। चलते हैं उसमें, चलते हैं। हाँ, कितना मिनट बचा है? और अमन, दो मिनट बचा है और। यस, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मैं कंटिन्यू नहीं करा रही हूँ क्योंकि अभी अगर आपको पूरा प्रॉपर पढ़ाऊंगी तो उसमें टाइम लगेगा पूरा। तो हमने काफी कुछ आज जान लिया है, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में हमने जाना, स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना, और डी प्लस ग्लूकोज क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी जाना, प्रिपरेशन भी हमने आज पढ़ा, और साथ में कुछ केमिकल रिएक्शन आपको मैंने आपको बताया जो कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कन्फर्म करता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को बताता है। बाकी इसके और दो तीन रिएक्शन हैं, कमिंग क्लास पढ़ाऊंगी, और फिर हम चलेंगे पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में चलेंगे। क्लियर है? तो आज एंट्रेंस की क्लास जो है वो शाम को रात को नहीं है, नहीं रखा है इंस्टेंट में, कल क्लास ले लो। ठीक है, चलें फिर आप लोग। प्लीज मैम, कल टेस्ट किसका है? उसके बाद हम रिविजन करेंगे। ठीक है, तो अटेंडेंस प्लीज ग्रुप में डाल देना। क्या क्या? अच्छा आप बताओ मुझे, आप एक काम करो, टाइम ऑफ होने वाला है, आप जल्दी से डिसाइड करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या, कौन सा टेस्ट लूं, वर्ड प्रॉब्लम दोगे, डिस्टिंक्शन टेस्ट दोगे, या किस तरीके का टेस्ट दोगे, मुझे आप एक बार ग्रुप में डाल देना मैसेज। मैम वर्ड प्रॉब्लम दोगे पक्का? इसके लिए तो काफी नॉलेज चाहिए, पढ़ा हुआ है? नहीं मैम, रिवीजन अच्छी खासी हो जाएगी ना मुझसे। बहुत अच्छा, उसमें तो परफेक्ट हो जाओगे आप, पूरा वर्ड प्रॉब्लम है। चलो कल एक बार मैं वर्ड प्रॉब्लम ले लेती हूँ, पढ़ के रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पढ़ के रखना वर्ड प्रॉब्लम का टेस्ट है कल। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं कल, मिलते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे नहीं, परसों मिलेंगे। ठीक है, कल नहीं मिलेंगे, कल तो टेस्ट डे।